भाई ये लिखी है मालवा सुपरफास्ट, भाई ये घंटे में सुपरफास्ट है। और अभी तक हमारी सीट कंफर्म ही नहीं हुई भाई, इसको बोलते सीट कंफर्म होना, किसको बोलते अभी तक नहीं। भाई जनरल डब्बे की हालत देखो यार, हाय हाय क्या बात है। ओके सो सारी पैकिंग हो चुकी है इसके अंदर, एंड आई स्टिल कांट बिलीव ये वाला इतना छोटा सा जो बैग है, मैं थाईलैंड लेके गया था, अब इसमें 5 दिन के 4 दिन के कपड़े आना भी मतलब मुश्किल हो रहा है। और दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वी आर ऑल सेट टू गो, सार रेडी हो गया रात में, कल अप्रोक्स 3 बज गई पैक करते करते ही, इसलिए थोड़ी नींद कम हुई है, जल्दी उठ गया थोड़ा। एंड यस वी आर ऑल सेट, सो अब इस ट्रिप पर जा कौन पाए। सो चलने वाला है साहिल, जो अगर आपने पिछला वाला व्लॉग देखा कश्मीरी पूरी सीरीज देखी तो इफ यू नो कि साहिल कौन है। एंड जितने मेरे बाकी जो भी साथी हैं उन सबको बड़ा फोमो हो रहा है कि हम लोग अकेले हम दोनों जा रहे हैं, क्योंकि इस बैग में मैंने कैसे भी करके पूरा सामान मैनेज करने लग दिया है। क्या चाहिए? हाँ ये देखो सबसे ज़्यादा चाबी, सारी चाबी है। ओके सो अगर आप इंडियन ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में तो इसकी तो बड़ी ज़रूरत है भाई, कि सामान चोरी होने की बहुत दिक्कत है, तो ये रखेंगे प्रिकॉशन के लिए, इसको रात में बांध देंगे। ओके सो क्विक अपडेट के निकल चुके हैं और आधा घंटा बचा है थैंक्स टू माय ब्रो, हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। लेट्स सी कि अब साहिल को पिक करना है, यहाँ से डायरेक्ट स्टेशन निकलना है, स्टेशन मेरे घर से आधा घंटा दूर है, अब पूरा ट्रैफिक आ गया सर, आराम से ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब देखते हैं। जय माता दी लेके चल रहे हैं। सब लोगों की इच्छा थी मेरे ग्रुप में सबको आना था, बट एट दी एंड सबके अपने अपने काम थे, सबको सब कुछ था, सबने आखिरी में आके मना करा है। और जो ये प्लान है ना और जाने का, वो लास्ट वीक का प्लान था और उसको भी शिफ्ट होते होते इस वीक भी हो गए। सो फाइनली चलो, नहीं तो अगर कोई चलता नहीं तो मैं तो अकेले भी निकल जाता, और जिस दिन जाना होता ना उसी दिन देखो यार दिखाता हूँ, फिर उसी दिन में सारे ट्रैफिक वाले सारे मिलेंगे कि भाई दबा लेफ्ट में जिस दिन जाना होगा उस दिन ही सारी गाड़ियाँ रस्ते में आके मिलेंगी, सारा ट्रैफिक मिलने वाला, यही तो किस्मत है। आधे घंटे में स्टेशन पहुँचना, अच्छा एयरपोर्ट नहीं था, अगर एयरपोर्ट होता ना फिर तो आज की फ्लाइट मिस होती डायरेक्ट, भाई यही हिमाचल छोड़ रहा होता मेरे को डायरेक्ट। एक्साइटेड आई यू? बटन दबाओ, लाइक का बटन दबाओ तो स्पॉन्सरशिप जल्दी मिलेगी भाई को, तो बहुत सारे क्रेजी क्रेजी व्लॉग आएंगे। और अभी 15 मिनट पड़े हमारे, और अभी भी क्या स्टेशन है, एयरपोर्ट निकल रहा है, अभी 15 मिनट अब देखते हैं एयरपोर्ट टच कर रहे हैं। इस बार बजट ट्रिप पे जा रहे हो। क्या होगा, बहुत गर्मी और पेटी में इतनी एक्साइटेड हो, बैग ही भूल गया भाई, क्या इतनी एक्साइटमेंट है। अरे वो खाने की पेटी है भाई, इस वाले बैग में मम्मी ने पूरा खाना दिया है भाई, भर भर के, कि जो आप लोगों को लगे माँ का प्यार होता है भाई। चलो सो दोस्त यू हैव डोंट नो कि इंदौर में 2 लाइन है, बड़ी लाइन छोटी लाइन, तो यार जो ट्रेन है मेन सेंट्रल जंक्शन से निकलेगी इंदौर से, देखे एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है? फोमो? अरे भाई तू जा, बात ही नहीं करनी मेरे को, 2 दिन से मेरे को बोल रहा है तुम जा रहे हो अकेले क्यों जा रहे हो, रात को क्यों जा रहे हो, सबको पूछा है, सब पढ़ के जा रहे हैं तुम्हारे जा, तुम स्पॉन्सर अभिषेक कर रहा है, मेरा भी स्पॉन्सर अभिषेक कर रहा है, इनकी जॉब इनके काम भाई, मैंने सबको पूछा था। तू अंदर चल, चलो बाय बाय, ध्यान रखना पड़े इंदौर का। अरे बिल्कुल यार, बाय आइडिया के बाद में कार का भी देना पड़ेगा ना। हां वो तो ऑफिस में ध्यान से जाएंगे, पहुंच के फोन कर देंगे। और तो फन फैक्ट बताया कि हमने हमारे माँ बापा को नहीं बताया कि हमारी जो टिकट है वो अभी तक कंफर्म नहीं, हमको आरएसी मिला, आरएसी का मतलब होता है कि आधी बर्थ, मतलब एक बर्थ हम 2 जने जाने वाले। तो साहिल कैसा लग रहा है एक बर्थ जो तुमने, हमने हमारे घर वालों तक को नहीं बताया कि हमारी सीट कंफर्म नहीं है। नाउ इट इज व्हाट इट इज। ओके सो अब देखें, टीटी से बात करेंगे, अगर कोई सेटिंग हो पाई तो उधर शिफ्ट कर देंगे। और मालवा एक्सप्रेस से फन फैक्ट ये कि ये जो जर्नी होने लिए वो 1600 किलोमीटर की कुछ होने लिए, सॉकेट है वहाँ पे चार्जर कनेक्ट करके। अब हमारी जो ट्रेन की ट्रिप की थी 25 घंटे का, ऑलमोस्ट 26.5 घंटे की ट्रेन है। सो शोज डाउनलोड कर लिए फ़ोन में, और बाकी तो मैं 2-3 व्लॉग एडिट कर लूँगा, फायदा थोड़ा प्रोडक्टिव रखेंगे, बाकी सब ठीक है। अब देखिए यार, टीटी से बात करनी पड़ेगी, और हमने हमारे घर वालों तक तो बोला ही नहीं है कि हमारी जो सीट है वो कंफर्म ही नहीं है, लाइक हाफ हाफ है तुम लोग, कि ये इस सीटे के अंदर ही हम दोनों का पूरा है, यही सेक्शन है। बात एडजस्टमेंट की बात हो कि ये 24-25 घंटे की ट्रेन है, मतलब 25 घंटे एक दिन है यार, नहीं यार 24 घंटे, चलो जो भी है 1600 किलोमीटर है, डायरेक्ट कटरा निकलती है ना, फिर उसके पहले उतरना है। तो हम सोच रहे कि अब देखें यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो ऐसे कोने कोने में दुबक दुबक के सो जाएंगे, पहुंचना है यार, एडजस्ट कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे।
सो अभी आया है सुजालपुर, काफ़ी लोग हैं, देखते हैं यहाँ पे कितनी देर का स्टॉपेज है। और बहुत देर हो गई है, ब्लॉग एडिट निपटा दिया एक पूरा का पूरा, बहुत देर हो गई थी बैठे बैठे, हालत टाइट हो गई, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच व्रेच करें बॉडी को, खाना आके थोड़ी देर में सो जाऊँगा, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा मूव धो के फ्रेश होने पड़ते, पूरा शक्ल के बारह बजे चलिए। इस नल में से गर्म पानी आ रहा है, गीज़र में से, सब पानी गीज़र में से आता है ना, वैसा पानी बह रहा है इसमें से, पहले इतनी गर्मी है, हालत बंद कैसे होता है, हो गया कुछ करने को है भी नहीं ट्रेन में, आप क्या कर सकते हैं, करने को बहुत कुछ है, क्या कर सकता हूँ, देखो अपना ग्रुप होता है, अपने दोस्त होते ना, तो फर्स्ट एसी वाला कंपार्टमेंट बुक करके पर्सनल स्पेस लेके बेस्ट एक्सपीरियंस था। सो अभी तो बहुत लंबा सफर है, एक तो कहीं मालवा एक्सप्रेस की क्या दिक्कत है कि हर थोड़े छोटे छोटे स्टेशन पे जा जाके रुक जाती है कि हाँ भैया यहाँ से बैठाओ यहाँ से बैठाओ, और ट्रेन पूरी ओवर बुक तो स्टिल अभी तक हम तो एक ही सीट पे बैठे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं कि सोएंगे कैसे क्या करेंगे, टीटी से भैया टीसी भैया सब बात करिए, वार्तालाप चल रहा है हमारा, अगर उन्होंने कुछ सेटिंग कर दी तो हो गई तो बढ़िया है, बढ़िया सो सो के जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही बैठ बैठ के जाएंगे। तो उसके साथ बैठे गए थे इन लोगों ने हमको चाय दी है जबरदस्ती, बड़ी अच्छी है, बड़े अल्लाह सबसे ज्यादा हमारे कोच में ही लोग अच्छे हैं, मतलब देखा तो नहीं बाकी अच्छा करा उन्होंने, फैमिली लोग तो बहुत है, बहुत सारे लोग अच्छे हैं, चाय डबल उससे भी डबल मनप्रीत भाजी, मनप्रीत इधर आ जाओ, आप इधर बहुत जगह है, आ जाओ तो आपके ऊपर बैठूंगा, हाँ आ जाओ इधर बहुत जगह, आ जाओ पूरी ट्रिप में इसको बहुत मस्ती करी, काला पानी नहीं मिला क्यों मनप्रीत भाजी, काला पानी नहीं मिला, काला पानी नहीं मिला, काला पानी क्यों नहीं मिला, काला पानी मतलब कोको कोला। ओके सो रात के बज गए 10 और अभी हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट 10 हो गए, और ट्रेन ने अभी तक कर लिया है सफर कितना थे, गाना लगाओ, नीला गाना भाई नीला गाना, अभी तक ट्रेन ने ऑलमोस्ट कर लिया भाई 550 किलोमीटर सुबह से, और जो ट्रेन जिस स्पीड से चल रही है ना उस हिसाब से मेरे को लग नहीं रहा कि हम कुछ 12 बजे पहुंच जाएंगे पठानकोट, और अभी हम लोग शोर है यार, रेलवे स्टेशन का फील आ रहा है भाई, तो अभी उतरे झांसी आ गए यूपी में एंटर कर चुके हैं, तो सोचा कि यार बहुत देर से बैठे रहते, थोड़ा सोचा कि ब्रेक करते हैं, थोड़ा बॉडी स्ट्रेच करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारी सीट तो कन्फर्म नहीं हो, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा कैसे बैठा हुआ है भाई, मैं हर आधे घंटे में उठो चक्कर लगा के आ रहा हूँ, ये बंदा जब से चढ़े ना इंदौर से तब से बंदा बैठा हुआ है भाई, कैसे क्या करूँ खड़ा के, अरे थोड़ा स्ट्रेच करके आओ यार, अपन करके आ रहे क्या दिक्कत आ रही है, अरे भाई कसम से अब देखते हैं, लेट्स सी, अभी तो सुबह तक का अब्बा सफर है, गाड़ी चल रही है, खाने के लिए अब उतरे हैं, और अभी तक हमारी सीट कन्फर्म ही नहीं हुई भाई, इसको बोलते हैं सीट कन्फर्म होना किसको बोलते हैं, अभी तक नहीं हुई, अभी तक आधे आधे में सोए और रात हो गई है, ये क्या कर सकते हैं यार, तो देखो इंसान की चाह होनी चाहिए आने की, या तो जेब में पैसा कम, दो चीज़ें, या तो पैसा ज़्यादा रख लो महंगी टिकट लो, या तो चाह रखो। चलो भाई अब क्या है, अपनी मालवा भाई, ये लिखी है मालवा सुपर फास्ट भाई, ये घंटे में सुपर फास्ट ट्रेन भाई, ये किसने बोला सुपर फास्ट ट्रेन है भाई, भाई इसकी ऑन एन एवरेज स्पीड है 50-60 की, और बता इसके अलावा हमारे पास कोई ट्रेन का ऑप्शन ही नहीं था, इकलौती ये ट्रेन सोचा यही है कि चलो आओ, नहीं यार देख समोसा कचौरी खा लिया तो फिर तो थोड़ा सा लोचा हो जाएगा, बाथरूम इतने अच्छे हैं ना यहाँ के, जो बाथरूम की सेवा है ना यहाँ पे इतनी उनको 5 स्टार है, 5 स्टार सेवा है भाई, नहीं भाई देखना भाई चल रही है तो किसी भी डब्बे में चल जाएंगे, क्या खाएं, सर्चिंग फॉर फूड, देख यार मेरा कहना है कि आप कुछ भी खाओ पैक्ड फूड खाओ जो कंपनी से बन के आ रहा है, यहाँ का तेल यहाँ का कुछ पता नहीं कैसा बन रहा है, तो आप ये मत सोचो, और भाई जनरल डब्बे की हालत देखो यार, हाय हाय क्या बात है, इसको देख के मेरे को लग रहा है कि हम थर्ड एसी में काफ़ी ठीक है, और अच्छी फैमिली मिल गई आसपास, और टाइम पास बढ़िया हो रहा है सफर में, बढ़िया है ऐसा, आप शक्ल की हालत देख रहा हूँ क्या, 12 बज चुकी है, चेहरे पर अभी से लग रहा है थकान, इंग्लिश वाला सफ़र हो गया है, हिंदी वाला सफ़र नहीं हो रहा भाई, चेहरे की हालत 12 बज चुकी है। ओके सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम पंजाब, सुबह की 10 बज रही है गाइस, वक्त में पंजाब आ चुकी है, और ट्रेन की आवाज़ काफ़ी आ रही है, और रात बस सोने को नहीं मिला है, वो स्टोरी तो बहुत लंबी है मिलकर बस।
ओके सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम द मालवा एक्सप्रेस। अभी भी रात सुबह के 10 बज गई है और रात भर सोने को तो मिला है नहीं मिला उसका अंदाज़ा मुझे है नहीं। बस एक जो साथ में लड़का है ना वो बहुत अच्छे से सोया है, वो ही सोया है, उसने पूरे आरएसी के मजे लिए, मैंने कुछ नहीं लिए। स्टिल अभी भी 4 घंटे हैं, 1 घंटा ट्रेन डिले है, अब तो सर दुख रहा है, पंजाब आ चुके हैं, बस जल्दी से पहुँचा दो। पर लाइफ में ना सबक सीख लिया है कि आरएसी में कभी भी सीटें नहीं लेने वाला मैं लाइफ में कभी भी। बस सोने ही नहीं मिला यार, अब ट्रेन जाके खाली होगी 3-4 घंटा, तो सोच रहा हूँ कि सो जाऊँगा, अब डिपेंडिंग अपॉन नींद आती है कि नहीं आती है। चलो साहिल भाई पठानकोट, ये खाना ही नहीं खाता, मम्मी ने इतना सारा दिया, खाया जरा सा हम लोगों ने इसमें। हाँ खाना बहुत सारा बचा है। कौन सा? थेपले। थेपले इतने सारे थेपले लाया क्यों है? कोकी खत्म कर देना। माँ का प्यार। बाय, एंजॉय कश्मीर। बाय, कश्मीर में फन करना। फाइनली वी आर इन पठानकोट आफ्टर 24 आवर्स। हमारी हालत इतनी खराब है ना कि समझ नहीं आ रहा है, बट प्रीटी एक्साइटेड फॉर धर्मशाला। लेट्स गो, लेट्स रूल इट। चला आ जाओ प्लेटफॉर्म नंबर। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.